बताइए। गाड़ी जैसे ही कांटा करवा के उस साइड से निकली, आराम आराम से दूसरा गियर लगा, जब तीसरा लगाया तो उधर सामने से गाड़ी आ रही थी, ये जो वाइट कलर की गाड़ी आपने देखी हो, बहुत स्पीड में थी गाड़ी और बच्चे चला रहे थे। जैसे ही आए तो ये अपने साइड पे थे, तो एकदम से इधर इनकी तरफ कट मारी है ना, सीधा हिट कर दिए गाड़ी। गाड़ी जब हिट की है तो यहाँ से आपको मैं आप लोग खुद देख लें, नीचे से जो है ना कमानियाँ, इसकी कमानियाँ और स्टेयरिंग बक्सा तोड़ दिया था, जो गाड़ी बिल्कुल फ्री हो गई थी। ये तो ड्राइवर की हिम्मत थी कि गाड़ी उसने खड़ी कर दी यहीं पर ब्रेक मार के, और ये लड़का उतरा है एकदम से नीचे कुछ लगा दिया। आप भी साथ थे? जी मैं जी, ये उस टाइम साथ तो था। क्या गाड़ी वालों को मसला क्या था, कोई मतलब ड्राइविंग उनको सही नहीं कर सकते थे, कुछ पिया हुआ था या क्या सूरत हाल थी? वो ये साफ था, बस हम उधर से आए, ये सीधा हमारे ड्राइवर साइड मारा है। जब ड्राइवर साइड में स्टेयरिंग बक्सा होता है इस गाड़ी का, हाँ, वो स्टेयरिंग फ्री हो गया, स्टेयरिंग इस साइड पे हो गया, फिर ड्राइवर ने जल्दी ब्रेक पकड़ी है, गाड़ी रोक, फिर मैंने गोटे वगैरह लगाए उधर। अभी जो ड्राइवर है वो किधर है? वो थाने ले गए। कोई जो बंदे जख्मी हुए हैं वो किधर थे, हॉस्पिटल चले गए हैं? वो हॉस्पिटल चले गए हैं, वो अभी जख्मी थे। वो सुबह एक बंदा आया, उसने मुझे पिक्चर दिखाई, कौन सा लड़का था ड्राइवर, तो मैंने उसे बताया ये था, वो सही है, बच गए हैं बंदे, बच गए हैं ना वो यहाँ पर, ठीक है वो लोग। लेकिन हादसा बड़ा खतरनाक हुआ है, इसलिए खतरनाक हुआ है कि ये जो लड़के थे ये कह रहे हैं कि सामान डाल के ला रहे थे और बहुत स्पीड में। ये रात के कितने बजे हुआ है ये हादसा? ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, रात के 8 बजे से 8 बजे का टाइम था, और ये बहुत स्पीड में थे, ओवर स्पीड में थे और ओवर लोड थे। इनकी गाड़ी में हर किस्म का सामान पीछे पड़ा हुआ था, कबाड़ था, मशीनरी पड़ी हुई थी, मशीनरी वगैरह पड़ी हुई थी, और जब हिट किया है ना नीचे से गाड़ी को फ्री कर दिया, सब कुछ नीचे से, कमानी इतनी मोटी लगी है, वो तक गाड़ी अंदर घुस गई है। हाँ, गाड़ी बिल्कुल टायर वो पीछे चला गया था, और इनकी गाड़ी ऐसे घूम के उस साइड पे मुड़ गई थी, और हमारी गाड़ी इधर आके हुई है, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इधर हिट हुआ है, ये देखें आप सारा, हाँ, कुछ आपकी साइड पर जाकर हिट हुआ है, हमारी साइड पे। आप देखें, अगर आपके ऊपर एक बंदा आ रहा है तो आप उसे ऐसे मना भी करे तो वो फिर भी आपके ऊपर आ जाए, हाँ, तो आपकी गलती, यानी वो अपनी रोड जो लाइन थी उसे हट कर हिट हुआ है, अपनी लाइन से हट के इधर आके हिट किया है, हिट जब किया उसकी गाड़ी उस साइड पे मुड़ गई है, हमारी गाड़ी स्टेयरिंग इधर मुड़ गया था, और खुद ब खुद फिर इधर चले गए क्योंकि कमानियाँ टूट गई थी। तो अभी आप थाने गए हैं, चेक किया है, क्या मामला है, पुलिस ने क्या बताया आपको? जी थाने गए तो वहाँ पे गए तो हम तो अटक से आए ना, ड्राइवर जो था उसने पकड़ लिया, हम लोग अटक से आए तो सुबह पहुँचे हैं, सुबह जब गए तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है भाई कि 9 लाख 10 लाख रुपये आप लोगों ने देना है हमारी गाड़ी की है। तो हमने कहा यार हिट तो उन्होंने की है, हमारा तो इसमें कसूर, वो लोग कहते हैं भाई बड़ी गाड़ी वालों का जो होता है ना इनकी कोई नहीं सुनता, हमेशा छोटी गाड़ी की सुनते हैं, बड़ी गाड़ी का कुछ नहीं है। आप लोग तो आप मुतलका थानेदार इंस्पेक्टर से मिले हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो FIR हुई हुई है, FIR हो गई है, जो बंदा था उसको कहते हैं बाबा अगर आपने गाड़ी नहीं हटवाई तो हम आपको भी बंद करते हैं, तो लिहाजा हम लोग बंद करेंगे, फिर हमने इस लड़के को वहाँ पर छोड़ा है, ये हमारे साथ था, चले यहाँ पे इधर रुक जाएं, हम लोग गाड़ी मिस्त्री बुलाते हैं। हमने पहले कहा है कि ऐसे करते हैं, चलो गाड़ी इधर खड़ी हुई है ना, हमारा आपस में मुआयदा हो जाए तो चलो क्या पता बात बन जाए और हम लोग सीधा फिर गाड़ी ठीक करवाएं और ले जाएं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा, वो लोग उन दूसरी गाड़ी वालों को कोई पूछ नहीं रहा, वो लोग आते हैं अपना सामान ले कर चले जाते हैं, कोई नहीं पूछा, हालाँकि गलती भी उनकी थी, पत्नी शराब पी हुई थी कि क्या चक्कर, तो सीधा आके गाड़ी ही मारी है खुद ही, और फिर इस आप भी दरख्वास्त देते अपनी कार्रवाई के लिए? वो लोग कह रहे हैं एक दरख्वास्त हुई है दूसरी आप लोग नहीं दे सकते, नहीं आप दरख्वास्त दें उन्हें कि बेशक कार्रवाई ना करें, आप मतलब दरख्वास्त के ऊपर जो भी जवाब दे सकते हैं वो दें। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है मगर वो मान नहीं दे। आप DSP से जाकर मिले साहब, तो हमने वीडियो वगैरह तस्वीरें वगैरह दिखाई हैं, पहले तो कोई आया नहीं, अभी दो पुलिस वाले आए कि भाई वो गाड़ी को आपने जाने नहीं देना क्योंकि वो गाड़ी के अंदर जो सामान था वो चोरी का था। अच्छा, गाड़ी के अंदर जो सामान निकला है वो भी चोरी का था? वो चोरी का था, ये पुलिस ने बताया आपको? जी जी, यहाँ पे अभी इस लड़के को, ये लड़का बता रहा है मुझे, मैंने बताया ये जो माल है ना इनके गाड़ी सामने में ये चोरी का है, और आप ऐसे करें ये गाड़ी निकालें उस पंप पे खड़ी कर दें, इस गाड़ी वाले को जाने नहीं देना, जो माल लेके जा रहा था वो लड़के का बाप था, वो मुझे कहता है ये रिपेयर करने के लिए वहाँ जा रहे थे, रात को रात का 8 का टाइम है, रिपेयर करने के लिए नारेवाल जाना है कहीं इस साइड पे जाना है,